कम समय के अंदर और एकदम ही कम मेहनत करके अगर आपको एक ऐसा नाश्ता बनाना हो जो कि एकदम ही क्रिस्पी हो और खाने में एकदम ही टेस्टी बनता हो तो ये रेसिपी ज़रूर देखिएगा। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए एक कप सूजी, जिसको हम सेमोलिना या फिर रवा कहते हैं। तो इस सूजी को पहले आप किसी भी एक मिक्सिंग बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। तो जितनी आपने सूजी का इस्तेमाल किया हुआ है उसका आधा आपको यहाँ पर दही का इस्तेमाल करना है। तो मैं यहाँ पर आधे कप दही का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक छोटी चम्मच क्यूमिन सीड यानी कि जीरा। आप चाहो तो इस जीरा को एक बार सेक कर इस्तेमाल कर सकते हो। फिर हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी काले मिर्च। तो मैंने एक छोटी चम्मच काले मिर्च का इस्तेमाल किया हुआ है और इस काले मिर्च को मैंने इस तरह से दरदरा कूट लिया था। फिर हम इसमें ऐड करेंगे एक इंच जितना अदरक और इस अदरक को मैंने इस तरह से ग्रेट करके रखा हुआ था। फिर मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ 2 से 3 बारीक कटे हुए हरे मिर्च यानी कि ग्रीन चिलीज। अगर आप ये नाश्ता अपने बच्चों के लिए बना रहे हो तो फिर हरे मिर्च और काले मिर्च का एकदम ही कम इस्तेमाल करिएगा। फिर ये मैंने एक छोटी सी इसका प्याज लिया हुआ है जिसको एकदम ही बारीक बारीक चॉप कर लिया था। अब इसमें जाएंगे 5 से 6 करी लीव्स यानी कि कड़ी पत्ता और इस कड़ी पत्ता को हमें तोड़कर इसमें ऐड करना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 छोटी चम्मच हींग यानी कि एसोफोटिडा, स्वाद अनुसार नमक। तो मैं इसमें 1 बड़ी चम्मच नमक का इस्तेमाल किया हुआ है। और अब सबसे आखिर में हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ धनिया। अब बस इन सारी चीज़ों को हमें एक बार अच्छे मिक्स कर लेना है। ये जो नाश्ता है ये बनाने में जितना सिंपल है, जितना इजी है, उतना ही ये खाने में टेस्टी बनता है। तो आप प्लीज़ एक बार इस नाश्ते की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। आई एम श्योर आपको ये बहुत ही पसंद आएगा। चलिए अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका हमें एक बैटर बनाकर रेडी करना है। लेकिन ये जो बैटर है ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, तो इसलिए एकदम ही कम पानी का इस्तेमाल करिएगा। अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड कर लोगे तो ये बैटर काफ़ी पतला हो जाएगा और फिर इस बैटर में से वड़ा बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो इसलिए एकदम ही कम पानी का इस्तेमाल करें। और अगर गलती से आपसे बहुत ज़्यादा पानी ऐड हो जाता है तो फिर उसको एडजस्ट करने के लिए आप इसमें थोड़ी सी सूजी और ऐड कर लीजिए ताकि जो कंसिस्टेंसी है वो एडजस्ट हो जाए। चलिए जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो बैटर है ये बनकर रेडी हो चुका है और ये इतना गाढ़ा होना चाहिए। अब इस बैटर को ढक कर हमें इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने देना है ताकि जो सूजी है वो पानी पीकर अच्छे से फूल जाए। और जब तक ये बैटर रेस्ट करता है तब तक हम इसके लिए बहुत ही बढ़िया सी चटनी बनाएंगे जिसको हम पूंड चटनी या फिर गार्लिक चटनी कहते हैं। तो इस चटनी को बनाने के लिए पहले आप किसी भी एक बोल में थोड़ा सा गर्म पानी लीजिए और इसके अंदर हमें ऐड करनी है लाल मिर्च। तो मैंने इसमें तकरीबन 4 से 5 जो तीखी वाली लाल मिर्च होती है उसका इस्तेमाल किया हुआ है और इसमें कलर लाने के लिए मैंने ये 3 से 4 कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल किया हुआ है। अब इस लाल मिर्च को हमें इस गर्म पानी में तकरीबन 10 मिनट के लिए भिगो कर रखना है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और तब तक हम बाकी की तैयारी करेंगे। अब किसी भी एक पैन में आपको लेना है 1 से 2 बड़ी चम्मच तेल और जब तेल गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी साइज़ का प्याज जिसको मैंने इस तरह से रफली चॉप करके रखा हुआ था। अब इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप गार्लिक क्लव्स यानी कि लहसुन की कलियाँ। तो ये तकरीबन मैंने 25 से 30 लहसुन की कलियों का इस्तेमाल किया हुआ है। और अब इस प्याज और लहसुन को हमें स्लो फ्लेम पर तब तक भूनना है जब तक कि हल्का सा गोल्डन ब्राउन यानी कि सुनहरा नहीं हो जाता। आपको उसको हाई फ्लेम पर नहीं भूनना है वरना ये कहीं से जल जाएगा और फिर आपकी जो चटनी है उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए या तो उसको मीडियम फ्लेम पर या फिर स्लो फ्लेम पर ही भूने और बीच बीच में आप इसको चलाते भी रहिएगा ताकि ये कहीं पर जल ना जाए। चलिए जैसे कि आप देख पा रहे हो कि अब ये जो प्याज और लहसुन है ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसको हमें पूरी तरीके से ठंडा होने देना है। जब ये प्याज और लहसुन पूरी तरीके से ठंडे हो जाए उसी के बाद हम इसको एक मिक्सर में ट्रांसफ़र करेंगे। अब जो मिर्च को हमने भिगो कर रखा हुआ था वो भी अब अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, तो इस मिर्च को भी हम उसी मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करेंगे। इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो मैंने इसमें तकरीबन 1/4 छोटी चम्मच नमक का इस्तेमाल किया हुआ है और फिर हम इसमें बिल्कुल थोड़े से पानी का इस्तेमाल करेंगे ताकि इसकी एक बहुत ही बढ़िया सी पेस्ट बनकर रेडी हो जाए। तो मैंने उसी पानी का इस्तेमाल किया हुआ है जिस पानी के अंदर हमने मिर्च को भिगो कर रखा हुआ था। अब बस इसको अच्छे से ब्लेंड करके हमें इसकी एक गाढ़ी पेस्ट बनाकर रेडी करनी है। चलिए ये पेस्ट बनकर रेडी हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर मैं एक और चीज़ डालना भूल गया था और वो है इमली। तो ये मैंने 1 मीडियम साइज की इमली का इस्तेमाल किया हुआ है और बस इसको हम फिर वापस एक बार ब्लेंड करेंगे। लीजिए हमारी ये जो पेस्ट है ये बनकर रेडी हो चुकी है, तो अभी फ़िलहाल हम इसको साइड पर रखेंगे। अब उसी पैन में आपको लेना है 2 बड़ी चम्मच तेल। तेल जब गर्म हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच मस्टर्ड सीड यानी कि राय और इस राय को हम अच्छे से स्प्लटर होने देंगे। राय जब स्प्लटर होना शुरू हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच उड़द दाल और इस उड़द दाल को हमें स्लो फ्लेम पर तब तक भूनना है जब तक कि हल्की सी गोल्डन नहीं हो जाती।
चलिए ये जो उड़द दाल है हल्की सी गोल्डन होना शुरू हो चुकी है, तब हम इसमें ऐड करेंगे 5 चीज़ें करी लीव्स यानी कि कड़ी पत्ता, और इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे एक चुटकी हिंग यानी कि एसाफोटिडा। ध्यान रहे कि इस समय पर आपकी जो गैस की फ्लेम है वो स्लो पर रहनी चाहिए ताकि जो तड़का है जल ना जाए। अब जो हमने प्याज और लहसुन की पेस्ट बनाई हुई थी वो हम इसमें ट्रांसफ़र करेंगे, और फिर इस पेस्ट को हमें स्लो या फिर मीडियम फ्लेम पर तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए भूनना है। तो ये लीजिए हमारी एकदम ही आसानी से बनने वाली गार्लिक चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। चलिए इस बैटर को रेस्ट किया तकरीबन 10 मिनट हो चुकी है, और अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि सूजी ने काफ़ी सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करने से ये जो वड़े हैं ये अंदर से काफ़ी सॉफ्ट बनेंगे। अब हम क्या करेंगे कि हाथों में थोड़ा सा पानी अप्लाई कर लीजिए ताकि ये बैटर हाथों में चिपके नहीं, और फिर हम इसमें से वड़े बनाएंगे। तो इसमें से वड़े कैसे बनाए जाते हैं इसके मैं आपको 3 तरीके दिखाने जा रहा हूँ। पहले तरीके में आप इसको हाथों से ही इस तरह से बना सकते हो। तो थोड़ा सा बैटर आप हाथों में लीजिए, उसमें से एक गोल बॉल बनाइए, और फिर उसको इस तरह से दबाकर थोड़ा सा फ्लैट कर लीजिए, और फिर इसके बीच में इस तरह से उंगली रख कर आपको इसमें एक छेद करना है। तो ये तो हो गया मैदू वड़ा बनाने का एक तरीका, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है और काफ़ी सारे लोगों को इसको बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो जो बाकी के 2 तरीके मैं आपको आगे दिखाने जा रहा हूँ ये काफ़ी सिंपल है, और जिनको वड़ा बनाना नहीं आता है उनके लिए तो ये बहुत ही काम आ सकता है। तो दूसरे तरीके से वड़ा बनाने के लिए हमें यहाँ पर इस तरह की एक चाय की छन्नी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस चाय की छन्नी के ऊपर की तरफ हमें इस तरह से थोड़ा सा पानी अप्लाई कर लेना है ताकि जो बैटर है ये इसमें चिपक ना जाए। फिर थोड़ा सा बैटर आप हाथों में लीजिए, उसमें से गोल बॉल बनाइए, और फिर उसको इस छन्नी के ऊपर रख कर हमें इसको अच्छे से प्रेस करते हुए इसे एक अच्छा शेप देंगे, और फिर इसके बीच में हमें एक होल बनाना है। तो देखा आपने कि इस चाय की छन्नी के ऊपर ये वड़ा बनाना कितना आसान था। अब तीसरे तरीके में आपको इस तरह की एक कटोरी लेनी है। इस कटोरी के ऊपर आप इस तरह से एक कपड़ा बिछा लीजिए। फिर हमें क्या करना है कि इस कपड़े को आप हल्का सा गीला कर लीजिए ताकि ये बैटर इसमें चिपके नहीं। अब बस हाथों में थोड़ा सा बैटर लीजिए, उसमें से गोल बॉल बनाइए, और फिर उसको इस कपड़े के ऊपर रख कर आपको उसको हर तरफ स्प्रेड कर लेना है, और फिर आराम से इसको आप एक गोल शेप दे दीजिए, और फिर इसके बीच में भी हम इसी तरह से एक छेद बनाएंगे। तो अगर आपको ये वड़ा बनाने के 3 तरीके पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इन 3 तरीकों में से कौन सा तरीका आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया ये आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। चलिए अब हम इन वड़ों को फ्राई कर लेते हैं, लेकिन इनको कैसे फ्राई करना है ये सबसे ज़रूरी है। अगर आप इसको ठीक से फ्राई नहीं करोगे तो या तो ये वड़े बहुत ही ऑयली बनेंगे या फिर ये उतने क्रिस्पी नहीं बन पाएंगे। तो इन वड़ों को फ्राई करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि जो तेल का तापमान है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। जब तेल मीडियम गर्म हो तभी आप इसको फ्राई करिएगा। अगर तेल बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा तो ये वड़े फटाफट से कलर पकड़ लेंगे यानी कि बहुत ही ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे, लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे और उतने क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। और अगर तेल ठंडा होगा तो ये वड़े काफ़ी सारा तेल एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इसीलिए जब तेल मीडियम गर्म हो तभी आप इसको फ्राई करिएगा। आपकी कढ़ाई में एक साथ जितने वड़े आ सकते हैं उतनों का आप एक साथ फ्राई कर सकते हो, और इनको आपको मीडियम फ्लेम पर तब तक फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन और एकदम ही क्रिस्पी नहीं हो जाते। इनको अच्छे से फ्राई होने में मुश्किल से 4 से 5 मिनट लगेगी, और बीच बीच में आप इसको इस तरह से पलटते भी रहिएगा। तो अब जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये वड़े एकदम ही गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। क्या बढ़िया सा कलर आया है इसके ऊपर, और ये काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी भी बने हुए हैं। आप चाहो तो इनको एक टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल सकते हो ताकि जो भी एक्सेस ऑयल हो वो एब्जॉर्ब हो जाए। और अब ठीक इसी प्रकार से आपको बाकी सारे वड़ों को फ्राई करके रेडी करना है। तो ये लीजिए, ये एकदम ही गर्मा गर्म क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी सूजी के मैदू वड़े बनकर रेडी हो चुके हैं। ये बनाने में एकदम सिंपल थे और खाने में एकदम ही ज़बरदस्त बनते हैं। तो आप भी एक बार इस तरीके से सूजी के मैदू वड़ा की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, और अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा।